खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से विगत दिनों साईखेड़ा पेट्रोल पंप पर एडिशनल एसपी बनकर हजारों रुपए की ठगी करने वाले हार्डकोर आरोपी को राजस्थान पुलिस द्वारा भारी सुरक्षा के बीच मुलताई लाया गया। मुलताई न्यायालय में आरोपी के मुजरिम बयान होने से बताया जा रहा था कि राजस्थान की पुलिस द्वारा बीकानेर केंद्रीय जेल से आरोपी को मुलताई लाया गया, जिससे जेल की पुलिस द्वारा वैन सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। आरोपी सरवन को 24 घंटे पूर्व बीकानेर की केंद्रीय जेल से निकाला गया था, जिसे लेकर राजस्थान की पुलिस मुलताई पहुंची। राजस्थान पुलिस के एसआई होशियार सिंह ने बताया कि सरवन हार्डकोर आरोपी की श्रेणी में आता है और हार्डकोर मुजरिम को ऐसे ही सुरक्षा के घेरे में लाया या ले जाया जाता है। आरोपी सरवन को मध्य प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस के 50 से अधिक जवानों के सुरक्षा घेरे में न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर हत्या, फिरौती जैसे कई मामले चल रहे हैं, जो फिलहाल बीकानेर की केंद्रीय जेल में बंद था, जिसे ठगी के मामले में मुलताई न्यायालय में पेश किया गया। राजस्थान बीकानेर से लेकर हैं सरवण सिंह और वहाँ भी उस पर यहाँ पर कांड चल रहे हैं और बीकानेर के केंद्रीय कारागार में ये बंद था। आज इसकी यहाँ मुलताई कोर्ट में पेशी थी, इसलिए हम बीकानेर से लेकर आए हैं। सर, इतनी भारी पुलिस व्यवस्था के बीच लाने का क्या कारण है आरोप? सर, हमारे रिकॉर्ड में ये हार्डकोर मुलजिम है और हार्डकोर मुलजिम लाने का यही प्रोसीजर होता है, पूरी सुरक्षा के साथ लाते हैं। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये लॉरेंस गेन का सदस्य है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हमें तो केवल पेशी के लिए यहाँ लेके आए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।